मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये गीत यहां से शुरू करता हूं। सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात, सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात, किस पीड़ा ने डस कर की है तेरे मन पर घात, सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात। पहला बंद। कुछ दिन पहले मौसम कितना प्यारा प्यारा था, रूप तेरी किरणों का कितना न्यारा न्यारा था, करने लगा अचानक क्यों अंगारों की बरसात, सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात। और दूसरा बंद। मेरी तरह किसी ने तेरा भी दिल तोड़ा है, मेरी तरह किसी ने तेरा भी दिल तोड़ा है, यादों के शोलों में अपनी जलते हुए छोड़ा है, सौंप गया है कठिन विरह की तुझको भी सौगात, सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात। और तीसरा और अंतिम बंद है। अपनी पीड़ा लेकिन तुम क्यों बाहर लाते हो, अपनी पीड़ा लेकिन तुम क्यों बाहर लाते हो, दहो स्वयं औरों को संग संग क्यों दहकाते हो, लौटा दो बस्ती को मेरी कल जैसे दिन रात, सच सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात। बहुत शुक्रिया। कभी नहीं सुनाया ये कवि सम्मेलन, कभी पूरी पता नहीं, बहुत पुराना गीत है। बहरहाल एक अब मेरे साथ मुश्किल ये भी है, हालांकि आधे घंटे हैं, अब मुश्किल ये है कि मैं करीब करीब 15-16 विधाओं में लिखता हूँ, और कोशिश सिर्फ इतनी है कि बहुत सारी विधाएं जिंदा रह जाएं, वरना मरने के कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो बहरहाल कुछ कुछ अलग अलग आपको सुनाऊंगा। एक मुक्तक ये है कि कभी समाज में वो झूठ बो नहीं सकता, कभी समाज में वो झूठ बो नहीं सकता, किसी भुलावे छलावे में खो नहीं सकता, और जिसको इंसानों के दुख दर्द का एहसास न हो, जिसको इंसानों के दुख दर्द का एहसास न हो, और कुछ भी हो मगर कवि तो हो नहीं सकता। और एक अलग एक मुक्तक, अलग रंग का मुक्तक ये है कि यादों ने खोले एल्बम धीरे धीरे, यादों ने खोले एल्बम धीरे धीरे, माजी ने छेड़ी सरगम धीरे धीरे, आँखें ऐसे हो आई पूर्णम जैसे, आँखें हो आई हैं पूर्णम कुछ ऐसे, गिरती है शबनम धीरे धीरे। ये सब मैंने कभी कुछ सुनाया नहीं, इसलिए आज कोशिश है कि कुछ अलग अलग सुनाया जाए। कुछ मैं आपको क्षणकाएं सुनाता हूं।
कि सुबह दो दो तीन तीन पंक्तियों की कविताएं हैं कि सुबह सुबह सारी खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, कि सुबह सुबह सारी खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, अच्छा तो आंधी आई थी रात में मुझसे मिलने और मुझे सोता पाकर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चली गई। और एक क्षण का ये, अगर आपको अपनी बड़ी कोठी, बड़ी कार, बड़े रुतबे, अगर आपको अपनी बड़ी कोठी, बड़ी कार, बड़े रुतबे, बड़े पद को लेकर ये गलतफहमी है कि आप बहुत बड़े हैं, तो बड़े बड़ी विनम्रता लेकिन बड़े यकीन से कहता हूँ कि आप बड़ी छोटी सोच के आदमी हैं। और एक ये है कि क्षण का, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। और एक क्षण का ये है, बेटे ने पूछा ये बाबा दादी बार बार पुराने दिनों को लेकर, पुराने दिनों को इतना क्यों याद करते हैं, ऐसा क्या अच्छा था उन दिनों में। मैंने कहा बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ नदी नदी थी, फूल फूल थे, हवा हवा थी, पानी पानी था और आदमी आदमी था। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ दोहे जी, नरेश जी तो यहाँ है नहीं, हमारे जी 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 अच्छा अच्छा कोई बात जी, दोहे देखिएगा कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। और ये मन के विश्वास हैं या हैं मन के रोग। जेल पहुंच गए लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं आई भी लोगों के, कि ये मन के विश्वास हैं या हैं मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। और एक दुहा ये कि अनुपम निधियों से भरा ये विराट संसार, अनुपम निधियों से भरा ये विराट संसार, और ज्ञानी जन फिर भी कहें ये जीवन निस्सार। और एक दुहा ये पिंजरा जब खोला गया कुछ वर्षों के बाद, पिंजरा जब खोला गया कुछ वर्षों के बाद उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद। और एक दुहा ये कि दगा दे गई जिंदगी कैसे हो निर्वाह, दगा दे गई जिंदगी कैसे हो निर्वाह, चुपके चुपके कर लिया दुख से जाकर ब्याह। और कहाँ रही तुम रात भर, भोर का चित्र देखेगा कि कहाँ रही तुम रात भर सूरज करे सवाल, कि कहाँ रही तुम रात भर सूरज करे सवाल, क्या कहती सहमी उषा हुई शर्म से लाल। और एक दोहा ये कि नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, सोचो कल क्या खाएंगे ईंटें या फिर रेत। और एक सादा सा दोहा ये कि बच्चों के हालात पर,
अब ये दोहा मुझे मिला अखबार के एक हेडलाइन से, पूरी दुनिया के 229 देशों में जितने कुपोषित बच्चे हैं उतने अकेले भारत में हैं, कि बच्चों के हालात पर कौन करेगा चोट, बच्चों का इस देश में नहीं एक भी वोट। और एक दोहा ये कि लोकतंत्र का किस तरह हो पाता उद्धार, लोकतंत्र का किस तरह हो पाता उद्धार, चुने शिकारी स्वयं ही भेड़ों ने हर बार। और दोहों क्रम का अंतिम दोहा ये है, आप सबकी चेतना को आवाज देता हूं कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ माहिये सुनाता हूँ। हमारी मिट्टी का छंद है, हमारे पंजाब, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। कुछ माहिये सुनेगा, ये 12-10-12 तीन पंक्तियों की छोटी सी कविता होती है। पहला ये है कि इस दर्द की बस्ती में, इस दर्द की बस्ती में खो जाऊं कैसे अपनी ही मस्ती में। ये माहिया है। अब सुनिएगा दूसरा माहिया कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और एक माया ये है कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं, मरना भी जरूरी है। और एक ये है कि पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है। और अंतिम माहिया, अंतिम माहिया ये है कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, ओ वक्त की डोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, आइए आइए, स्वागत जी जी। आइए आइए, मैंने दोहे सुना लिए है, अच्छा हुआ आप नहीं थे। ठीक, चलिए। एक जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ये ज़्यादातर वही वो सारी चीज़ें जो मैंने कभी सुनाई नहीं कहीं। तो एक एक कविता है, व्यंग कविता है, अब इसे आप प्रयोगात्मक भी कह सकते हैं। कविता का शीर्षक है घटना स्थल का पता, और इस कविता में शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, घटना स्थल का पता। माफ करिए, यहीं कहीं एक पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, वो जगह बता सकती हैं। जी, वो सामने सती सावित्री चौक पर कोने वाला मकान। भाई साहब, यहीं कहीं प्रॉपर्टी के झगड़े में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को जहर दे दिया, वो मकान
जी हाँ, बाएं मुड़कर लक्ष्मण भवन के साथ वाली पीली बिल्डिंग। दादाजी, यहीं कहीं पुलिस की गोली से 7 मजदूर मारे गए। जी हाँ, सामने जाइए, भगवान महावीर चौक पर गांधी केमिकल फैक्ट्री पूछ लीजिएगा। भाई साहब, यहीं कहीं नकली दवाओं की एक फैक्ट्री पकड़ी गई। जी हाँ, दाएं जाइए, राजा हरिश्चंद्र मार्ग पर महर्षि दधीच केमिकल्स पूछ लीजिएगा। सुनिए, नकल पकड़ने की वजह से एक विद्यार्थी ने अपने प्रोफेसर को गोली मार दी। जी वो सबसे ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वही है एकलव्य महाविद्यालय। माता जी, यहीं कहीं एक गूंगी बहरी बच्ची से दुष्कर्म हुआ। जी हाँ, वो आगे जाइए, सीता वाटिका है वहीं काली मंदिर के पीछे। सुना है स्वर्ग से महापुरुषों ने एक संयुक्त अपील जारी की है कि कृपया अपनी सड़कों, चौराहों और इमारतों के नाम रखते समय हमें बख्श दें। एक कविता और, ये हालांकि शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, कविता है नहीं बरसा पानी जी, और ये थोड़े बिल्कुल अलग तरह की कविता है। बारिश पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, मैंने भी लिखी हैं, गीत लिखे हैं। मसलन पिछले दिनों बारिश हुई तो 4 पंक्तियां बनी कि बाहर बारिश बाहर बादल बरसे तो भीतर यादें बरसी, एक नशा सा मन के भीतर अब तक तारी है। बाहर बादल बरसे तो भीतर यादें बरसी, एक नशा सा मन के भीतर अब तक तारी है। और बाहर बारिश बंद हुए तो काफ़ी वक्त हुआ, लेकिन भीतर बूंदा बांदी अब भी जारी है। लेकिन ये जो कविता है ये बिल्कुल अलग तरह की कविता है, सुनिएगा। व्यंग कविता, फ्री वर्स पोइट्री है, छंदमुक्त कविता है कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी। थक गए मेढक मेढकी का ब्याह रचा रचा कर लोग, कि थक गए मेढक मेढकी का ब्याह रचा रचा कर लोग। ऊब गई कुमारी कन्याएं खा खा कर न्योते, हार गई रात रात खेतों में निर्वस्त्र हल चला चला कर महिलाएं। कितने ही टोने टोटके पूजा अर्चना अनुष्ठान हवन यज्ञ जप तप व्रत उपवास, सब के सब निष्फल। नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी। यूं बरसने को रात दिन बरसती हैं सड़कों से दुर्घटनाएं, यूं बरसने को रात दिन बरसती हैं सड़कों से दुर्घटनाएं। राजनीति से बरसती है बेशर्मी, नौकरशाही से बरसता है निकम्मापन, न्यायालयों से बरसती अपराधियों के लिए निश्चिंतता, चैनलों से बरसती है फूहड़ता, विज्ञापनों से बरसता है लालच, धर्मों के ठेकेदारों से बरसती है नफरत, हिंदुओं के हाथों बरसती है मौत, हर तरफ से बरसता है डर, आम आदमी की आंखों से बरसती है लाचारी। नहीं बरसता तो बस आसमान से पानी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।